हाय फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम कर रही हूँ मेरी चैनल में और मैं हूँ दीपाली। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हर वीक में लेके आती हूँ बच्चों के टिफिन रिलेटेड वीडियोस, तो जिसमें मैं दिखाती हूँ 5 डिफरेंट रेसिपी जो आप लोग बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं। मगर बहुत लोगों का कॉमेंट्स मुझे ये आया था कि ये वीडियोस बहुत ही बड़ा होता है, तो आप इसको क्यों ना छोटे पार्ट में दिखाइए। तो वही बात को मैं ध्यान में रखते हुए इस बार जो वीडियो है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करी हूँ। एक पार्ट जो कि मंडे और ट्यूसडे रेसिपी को लेके आएंगे, और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें रहेंगे वेनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वीक 4 की रेसिपीज। फर्स्ट रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स ये रहा। पैन में डालिए ऑयल और ऑयल को होने दीजिए थोड़ा सा गरम। उसमें डालिए जीरा, अभी डालिए सारे वेजिटेबल्स, अनियन, कैरेट, टमाटर एंड चिली। थोड़ा सा चलाने के बाद डालिए नमक और हल्दी, ये ऑप्शनल है हल्दी। थोड़ा सा सौते होने के बाद उसमें डालिए रवा मींस सूजी। इसको अच्छे से चला लीजिए जब तक सूजी थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए। अभी इसमें डालिए पानी। यहाँ पे मैं 50 ग्राम्स रवा ली थी और 1 कप पानी ली थी। पानी आप लोग आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और अभी मैं डाल रही थी घी, तो घी से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये सब डालने के बाद अच्छे से आप मिला लीजिए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा पतला वाला पसंद है तो फिर पानी ज़्यादा डालिए। ये देखिए, हम लोगों के फर्स्ट जो रेसिपी है वो है बनके तैयार। हम लोगों को ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए और साथ ही में चाहिए एक ऐसा कटर। ये मेरे पास कटर नहीं था, और चाहिए एक सीजर। मैं एक जो बॉटल आता है उसका ही ऊपर का कैप ले ली थी। तो फर्स्ट आप लोग ना ये ब्रेड के जो साइड से उसको सीजर के मदद से चारों ओर से कट कर लीजिए। अभी सारे जो ब्रेड से उसको कट कर लीजिए। अभी फर्स्ट एक ब्रेड के ऊपर ऐसे कटोरी का ढक्कन रख के आप सर्कल शेप में घुमा के इसको कट कर लीजिए। देखिए, ये ऐसे हाथों से प्रेस करने से ये निकल जाएगा। अभी पास्ता सॉस के साथ आप लोग मेयोनीज को मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छे से मिला लीजिए। अभी जो नॉर्मल वाला ब्रेड का स्लाइस है उसके ऊपर हम लोग इसको लगाएंगे, जो पास्ता मेयोनीज का जो मिक्सचर हमने बनाए थे वो मैं इधर अभी डाल रही हूँ।
इसके बाद जो बचा हुआ मेयोनीज था उसके साथ जो चीज हम लोग के थे ना उसको मिला लेंगे। अच्छे से मिला लीजिए। अभी जो सर्कल शेप में हम लोगों ने काटे थे जो ब्रेड के स्लाइस, ये इसके ऊपर अच्छे से प्लेस कर देंगे और बीच में ये जो चीज और मेयोनीज का मिक्सचर बनाए थे उसको ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद एक बेकिंग ट्रे में इसको प्लेस करते जाइए। मैं इधर 3 पोर्शन बनाई थी, इन सबको मैं ग्रिलर में बेक करने के लिए दूंगी 150 डिग्री सेल्सियस में, और ये 5 मिनट्स के लिए मैं छोड़ूंगी। इसके बाद एक बार निकाल के चेक कीजिए और बटर को ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिए ब्रेड के ऊपर। अभी फिर से थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट्स के लिए फिर से ग्रिलर के अंदर डालिए, नहीं तो फिर माइक्रोवेव के अंदर डालिए। और देखिए ये हम लोगों के सेकेंड जो रेसिपी है वो है बनके तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपीज पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल में जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी दिए हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि रेसिपी कैसा था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।